हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर लविंग चैनल टॉर्क एंड टूर। दोस्तों, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये रेंज रोवर स्पोर्ट की हैं, जिसका ये भयानक एक्सीडेंट साउथ लंदन में रात को 3 बजे हुआ है। इस गाड़ी को दो चोरों ने क्लोन की मदद से चुराया और खतरनाक स्पीड के साथ वहां से भाग गए, और उनकी यही तेज रफ्तारी इस एक्सीडेंट की वजह बन गई। दोस्तों, गाड़ी कितनी भी सेफ क्यों ना हो, एक सर्टेन लिमिट तक ही क्रैश में सेफ्टी दे पाती है, और जब इम्पैक्ट इतना भयंकर हो कि गाड़ी टुकड़ों में बंट जाए, वो भी वन ऑफ द सेफेस्ट एसयूवीज रेंज रोवर स्पोर्ट जैसी गाड़ी, जिसका आधा हिस्सा अलग हो चुका है, इंजन बाहर पड़ा है, फ्रंट बोनट, लेफ्ट साइड का फेंडर और दरवाजा, ये सब कुछ अलग हो चुका है। इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद भी इसके ऑक्यूपेंट्स चोर बच गए, एक वहां से भागने में सफल हो गया और दूसरे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन कार्स की। सोचो, अगर ऐसा ही एक्सीडेंट किसी इंडियन बेस्ट सेलर कार का हुआ होता तो क्या रिजल्ट ऐसा होता? दोस्तों, मैं यहां किसी कार कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, तो आप मुझे बताइए, क्या ऑक्यूपेंट्स बच पाते? मुझे तो नहीं लगता कि शायद उनमें से कोई बच पाता, मे बी उनके भी गाड़ी के साथ टुकड़े टुकड़े हो चुके होते। इसीलिए दोस्तों यूएसए जैसे एरिया में वही गाड़ी बिकती है जो सेफ है। वहाँ के लोग सेफ्टी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। रोड एक्सीडेंट की वजह से होने वाली डेथ में इंडिया अग्रणी है। पता नहीं इंडियन लोग कार सेफ्टी के बारे में कब जागरूक होंगे। खैर दोस्तों, सेफ स्पीड पे चलें, गाड़ी को उतनी ही स्पीड पे चलाएं जितनी वो सेफ है, क्योंकि घर पे आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, वीडियो को अपने नोन जो गाड़ी चलाते हैं उन लोगों में जरूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।